हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो नए TWS में, जिसमें कि एक आता है बोट की तरफ से बोट 411 NC, देन सेकंड आता है ओप्पो की तरफ से ओप्पो एनको R2। गाइस, आप लोगों के काफी कमेंट मुझे मिल रहे थे कि भाई इन दोनों में से हमको कौन सा वाला लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो प्राइस है ना, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आप सेम प्राइस कह सकते हो, 200-400 रुपए का ही डिफरेंस है। तो कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा हमको बताओ। तो गाइस, इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करूंगा दोनों के फीचर्स की, उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन सा किसको लेना चाहिए। तो सबसे पहले डिजाइन की बात करता हूं। तो गाइस, 411 NC में आपको एक बॉक्सी टाइप डिजाइन देखने के लिए मिल जाती है। जो डिजाइन है वो काफी अच्छी है, मल्टीपल कलर चॉइस आपको इसमें मिल जाते हैं, जो आपको चाहिए वो आप इसमें से ले सकते हैं। तो सेकंड, अगर ओप्पो एनको R2 की मैं बात करता हूं, इसके जो डिजाइन है वो एक अंडे जैसी डिजाइन आपको यहां पर देखने को मिलेगी, और जो डिजाइन है ना वो काफी अलग है। जो यहाँ पर आपको जो केस मिलेगा ना, उसके जो ढक्कन, आप ढक्कन बोलो कुछ भी बोल सकते हो, जो ढक्कन है वो एक ट्रांसपेरेंट आपको देखने मिलेगा, यानी कि जो अंदर बर्ड्स होंगे वो आप बाहर से ही देख सकते हो। कोई ज़्यादा इसमें कोई तड़कता फीचर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक यूनिकनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है, एक यूनिक तरीके से बनाया गया है। तो दोनों की जो डिज़ाइन है ना, वो दोनों ही आपको काफ़ी अच्छे मिल जाती है। जो बिल्ड है दोनों का ही काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। जो 411 NC है उसमें आपको बॉक्सी टाइप डिज़ाइन मिल जाता है, कुछ अलग यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलती है। सेकेंड, अगर मैं साउंड सेक्शन की बात कर लेता हूँ, तो गाइस बोट 411 NC में आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, साथ में ही बोट का सिग्नेचर साउंड आपको मिल जाता है। साथ में गाइस यहां पर आपको ANC का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आप 25 डेसिबल तक की नॉइस को इसमें कैंसिल आउट कर पाओगे, यानी कि जब भी आप सॉन्ग सुन रहे होंगे तो आपको नॉइस वहां पर नहीं आएगा। अगर आप रूम में बैठे हो, आपने ANC ऑन रख रखा है, तो आपको फैन की भी आवाज नहीं आएगी, इतना अच्छा इसका ANC आपको मिल जाता है, क्योंकि ड्यूअल माइक आपको मिल जाता है। सेकंड, यहां पर आपको ENX का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि कॉलिंग के लिए आपको मिलता है। जब आप कॉलिंग करोगे तो भी आपको विदाउट किसी नॉइस के कॉल हो जाएगी, विदाउट किसी प्रॉब्लम के आप इसमें कॉल कर सकते हो। सेकंड, यहां पर अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि गेमिंग मोड मिलेगा कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, वीडियोस भी बन चुकी है, सभी चीजें हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक गेमिंग मोड नहीं है। यानी कि अगर आप स्पेसिफिक गेमिंग मोड चाहिए आपको, तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गेमिंग मोड नहीं मिल रहा तो आप इसमें गेमिंग नहीं कर पाओगे, आप गेमिंग कर पाओगे, लेकिन उस लेवल की नहीं कर पाओगे जिस लेवल में आपको एक स्पेसिफिक मोड में मिलता है। सेकंड, अगर मैं ओप्पो एनको R2 की बात कर लेता हूं, तो गाइस यहां पर आपको 13.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जिससे कि जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों में आपको साउंड क्वालिटी इधर उधर होगी, दोनों में ही आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन ओप्पो एनको R2 में आपको विदाउट ईयर टिप्स वाले डिज़ाइन मिल जाती है, इसलिए आपको जो साउंड होगा वो एक सप्रेस साउंड मिलेगा, यानी कि सब कुछ आपको बैलेंस मिलेगा। सेकंड, यहां पर आपको कोई ANC का सपोर्ट नहीं मिलता है, उसी के साथ में यहां पर आपको AI नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलेगा, जो कि आपको कॉलिंग के लिए मिलेगा। साथ में गाइस यहां पर आपको लो लेटेंसी ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, जिससे कि आप इसमें गेमिंग कर पाओगे। यहां पर आपको स्पेसिफिक मोड मिल रहा है गेमिंग के लिए, जिससे कि आप गेमिंग कर पाओगे, लेकिन ओप्पो की तरफ से ये कंफर्म नहीं है कि कितने MS की लो लेटेंसी आपको मिलेगी, यानी कि गेमिंग कर पाओगे अच्छे लेवल की, आप इसमें गेमिंग कर पाओगे। अब बात आती है कि भाई साउंड क्वालिटी किस में हमको ज्यादा बढ़िया मिलेगी, तो गाइस वो आपको मिलेगी 411 NC में, क्योंकि यहां पर आपको एयर टिप्स वाले डिजाइन मिल रही है, साथ में यहां पर आपको बोट का सिग्नेचर साउंड मिल रहा है, जो कि ईयर टिप्स वाले जो डिजाइन है ना, उससे क्या होगा कि फिटिंग आपको काफी अच्छी मिलेगी, और जब तक फिटिंग अच्छी नहीं मिलती तब तक साउंड में मजा नहीं आता। तो यहां पर आपको फिटिंग अच्छी मिलेगी, साउंड काफी अच्छा मिलेगा, बेस काफी अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आपको एक जो होता है ना कि बैलेंस साउंड, वो अगर आपको सुनना है तो आपको ओप्पो एनको R2 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको फिटिंग कोई ज्यादा इतनी टाइट नहीं मिलती है, क्योंकि यहां पर आपको विदाउट ईयर टिप्स वाले डिजाइन मिल जाती है। तो साउंड वगैरह आपको सब कुछ इसमें बैलेंस देखने मिलेगा, बेस वगैरह सभी चीजें आपको बैलेंस मिलेगी। सेकंड, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात कर लेता हूं, दोनों में ही आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है, दोनों में ही गूगल असिस्टेंट एंड सीरी आप इसमें यूज कर सकते हो, तो दोनों में चीजें आपको बढ़िया मिल जाती है। देन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो दोनों में जो प्रोटेक्शन है वो अलग अलग है, लेकिन यार जो 411 NC है उसमें आपको IPX4 का वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस मिल जाता है, लेकिन ओप्पो एनको R2 में अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा आपको यहां पर प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। गाइस बहुत सारे वेबसाइट पर बता रखा है कि कौन सा प्रोटेक्शन है कौन सा नहीं है, लेकिन अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग प्रोटेक्शन दिया गया है, तो मैंने उनको किसी को ही चूज नहीं किया, जो नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा अभी जब ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले जिसकी प्राइस थी ना वो 10,000 रुपये बता रहे थे, जो भी वेबसाइट्स वाले थे बहुत लोग 10,000 रुपये इसकी प्राइस बता रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने फीचर्स के बेस पे इसकी जो प्राइस थी वो 2,000 के अराउंड बताई थी मेरी पहले वाली वीडियो में। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई उस वेबसाइट पर तो इसका जो प्राइस है वो 10,000 लिखा गया है, आप झूठ बोल रहे हो, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो, ऐसे वैसे सुना रहे थे।
तो भाई मैं आपको बोल दूं, मैं भी किसी भी वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं जब तक ऑफिशियल ओप्पो की वेबसाइट या फिर ऑफिशियल फ्लिपकार्ट पर ये मेंशन ना हो जाए कि इसमें ऐसा प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, तब तक मैं वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स है वहां पर गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैं जब इसको वीडियो को बना रहा था तब इससे पहले 10,000 रुपए इसकी प्राइस दी गई थी जो वेबसाइट्स थी उस पर, लेकिन मैंने उनको चूज नहीं किया था, मैंने खुद के बेस पे आपको बताया था, या तो मैं गलत हो जाऊंगा या वेबसाइट्स गलत हो जाएगी। तो मैं आपको गलत चीज़ें नहीं बताऊंगा, जब प्रोटेक्शन आ जाएगा कि कौन सा प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाता है, जब मेन वेबसाइट या फिर फ्लिपकार्ट पर अपडेट हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। देन सेकंड, अगर मैं बैटरी बैकअप की बात कर लेता हूँ तो काफ़ी बड़ा चेंजेस है बैटरी बैकअप में। 411 NC में आपको मिल जाता है 17.5 घंटे का बैकअप। अब यार ये मुझे नहीं पता, मैंने तो फर्स्ट TWS में देखा है 17.5 घंटे का बैकअप, या तो 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 17.5 घंटे का बैकअप। तो भाई कोई नहीं, 17.5 घंटे का बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन तब आपको मिलता है जब आप इसमें NC यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर आप NC यूज़ करते हो तो आपको 16 घंटे का प्लेबैक मिल जाता है। सिंगल बर्ड्स में आपको मिलेगा 4.5 घंटे से लेके 5 घंटे तक का बैकअप, जो कि डिपेंड करता है आपके यूजर्स पर कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर आपने NC ऑन कर रखा होगा तो वैसा आपको बैकअप देखने को मिलेगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकंड, ओप्पो एनको A2 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको 24 hours का टोटल प्ले टाइम मिल जाता है। सिंगल चार्जिंग के बाद में 24 hours को चला सकते हैं। सिंगल बर्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ, 6 घंटे से ज्यादा का बैकअप आपको मिल जाएगा, जो कि डिपेंड करता है आपके यूजर्स पर कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। दोनों में ही आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, दोनों ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। प्राइस में अगर आपको बताऊं तो 411 NC का जो प्राइस है वो है 1,999 यानी कि 2,000 रुपए, और ओप्पो एनको A2 का जो प्राइस है वो है 2,500 रुपए। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट सेल में बाय करेंगे तो इसके 2,500 से भी कम की प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन यार वो अभी कंफर्म नहीं है। मेरे हिसाब से जो प्राइस होगी वो अराउंड 2,200 के समथिंग आपको देखने मिलेगी अगर आप फर्स्ट सेल में बाय करोगे तो। अगर 1,999 प्राइस आती है तो भाई कहना ही क्या, बढ़िया डील आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैं उस प्राइस को भी कंफर्म नहीं बता सकता हूं क्योंकि कंफर्म नहीं है, 2,500 से कम ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस आपको शॉप से यूज करना है ताकि आपको एक अच्छा खासा कैशबैक भी देखने के लिए मिले। देन सेकंड गाइस, अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, बर्ड्स में आपको ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, तब आप ओप्पो एनको A2 की तरफ जाइए, क्योंकि यहां पर आपको 24 घंटे का बैकअप मिल रहा है, साथ में 6 घंटे से भी ज्यादा का बैकअप आपको बर्ड्स में मिल रहा है, तो बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा मिल रहा है। लेकिन आपको बैटरी बैकअप से मतलब नहीं है, आपको साउंड काफी अच्छा चाहिए, बेस काफी अच्छा चाहिए, आपको एक NC का सपोर्ट भी चाहिए, गेमिंग मोड आपको मतलब नहीं है लेकिन साउंड आपको काफी अच्छा चाहिए, तब आप बोट 411 NC की तरफ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको ईयर टिप्स वाले डिजाइन मिल जाती है, फिटिंग काफी अच्छी मिलेगी, फिटिंग काफी अच्छा मिलेगा, तो बेस काफी अच्छा आएगा, और बोट का जो सिग्नेचर साउंड है उसमें आपको पता है बेस काफी अच्छा आता ही है। तो अगर साउंड आपको ज्यादा अच्छा चाहिए तो आप बोट की तरफ जाइए, वहां पर आपको NC भी काफी जबरदस्त लेवल की मिलेगी, जिसमें कि ड्यूअल माइक आपको NC मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी है, काफी फास्ट आपको एक काफी अच्छा NC आपको देखने मिलेगा। लेकिन अगर आपको सारी चीजें एक ऑलराउंडर चीजें चाहिए, जैसे कि आपको साउंड भी काफी बैलेंस चाहिए, आपको गेमिंग मोड भी चाहिए, आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए, आपको नॉइस कैंसलेशन भी चाहिए, NC मुझे नहीं लगता कि यार NC यूज करना चाहिए। बहुत रियर चांस होते हैं कि यार अपन जैसे शोर शराबे वाले इलाके में हो तब हमको NC की जरूरत होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा NC यूज करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आवाज लगा रहा हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, अगर अपन नहीं सुने तो दिक्कत हो सकती है। तो अगर मेरी बात मानो तो आप ओप्पो एनको A2 की तरफ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको सारी चीजें एक ऑलराउंडर तरीके से मिल जाती है, यानी कि साउंड भी आपको काफी बैलेंस मिलेगा, क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिलेगी, बैटरी बैकअप भी आपको ज्यादा मिलेगा। अब गाइस मैं आपको बता दूं, ज्यादा ही बूमी साउंड चाहिए तो 411 NC आपके लिए बेस्ट होगा, सभी चीजें आपको एक ऑलराउंडर तरीके से चाहिए तब आप इनको की तरफ जा सकते हैं। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, सभी चीजें आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको जरूर से दूंगा। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल की घंटी प्रेस करना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।